अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बुक ऑफ क्लास 9 केमिस्ट्री एंड टुडे आई एम सॉल्विंग द न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज़ लोकेटेड ऑन द पेज नंबर ऑफ 32 ऑफ योर बुक सेक्शन डी पेज नंबर 32. ओके, दिस इज़ एंड आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आई वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स. हाउ मेनी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमको मालूम करने हैं 40 ग्राम्स सल्फ्यूरिक एसिड के. ओके, तो हम नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर जो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. सबसे पहले जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो उसके अंदर हम जो है गिवन की हेडिंग डालते हैं. हमें क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो हमारे हम सबसे पहले गिवन की हेडिंग डालेंगे, हमको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं. यहाँ पे हमको क्वेश्चन में 40 ग्राम एक वैल्यू दी हुई है सल्फ्यूरिक एसिड की. तो ये हमारे पास गिवन मास है, तो हमने लिख दिया गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 40 ग्राम, गिवन की हेडिंग में लिख दिया. अब दूसरी मरतबा हम रिक्वायर्ड की हेडिंग डालेंगे, हमको मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड के यानी कि 40 ग्राम में कितने मोल्स होंगे ये हमको मालूम करना है. तीसरी हेडिंग हम डालेंगे सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के यहाँ पर एक्चुअली बात यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास फॉर्मूला मेस नहीं है, ये हमको मालूम करना पड़ेगा. अगर सिर्फ कोई एक एलिमेंट होता जैसे सिर्फ हाइड्रोजन होता तो हम लिख देते एटॉमिक मास हाइड्रोजन की, या सिर्फ सल्फर होती तो हम लिखते एटॉमिक मास ऑफ सल्फर. लेकिन यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है एच है, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक कंपाउंड है. इसका हमको फॉर्मूला मास मालूम करना पड़ेगा. जब फॉर्मूला मास हमारे पास आ जाएगा फिर हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे फॉर्मूला मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. जो कंपाउंड दिया हुआ है H2SO4, इसका हम फॉर्मूला मास मालूम करेंगे. तो किस तरह मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, H2SO4 लिखा मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1. ओके, इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये 2 लिखा है, इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई होगा, एटॉमिक मास से इसका हाइड्रोजन का 1 और मल्टीप्लाई बाय इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके एटॉमिक मास से. फिर हमने प्लस का निशान डाला. अब ये एस का मतलब सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32. ओके, ये पीरियडिक टेबल से आप सर्च कर लें, 32 ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा. फिर प्लस का निशान डालना है. अब आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. ओके, 16 ये पीरियडिक टेबल से मैंने सर्च किया है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से, तो 16 मल्टीप्लाई होगा 4 से. ओके स्टूडेंट्स, अब 2 वनजा 2 हो गया, प्लस एज इट इज उतार दिया, 32 वनजा 32 प्लस उतार दिया, 16 फोरजा 64, इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो 98 ग्राम हमारे पास आ जाएगा. ये इसका फॉर्मूला मास आ गया. इस फॉर्मूला मास 98 ग्राम को हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर कि हमने फॉर्मूला मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना मालूम किया है, 98 ग्राम. फॉर्मूला मास H2SO4 का कितना मालूम किया हमने, 98 ग्राम. ओके स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला मास है हाँ, ये हम फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे जब हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे. सही है, तो 98 ग्राम क्या आ गया, इसका फॉर्मूला मास आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का. ओके, ये हम 98 ग्राम हमने ऊपर गिवन के अंदर लिख दिया है. ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, जो हमको सवाल में कहा गया है कि हाउ मेनी मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें. तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास के. तो हमको गिवन मास न्यूमेरिकल में कितनी दी गई है स्टूडेंट्स, 40 ग्राम. सही है, गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितनी है, 40 ग्राम. तो हमने गिवन मास की जगह 40 लिख दिया. फॉर्मूला मास हमने कितना मालूम किया सल्फ्यूरिक एसिड का, 98 ग्राम. तो यहाँ डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला मास की जगह 98 लिख देंगे. जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.40 मोल्स हमारे पास मौजूद होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के 40 ग्राम के अंदर. ओके, तो ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का. नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला याद रखें, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास. ओके, अगर एक एलिमेंट है तो लफ्ज़ एटॉमिक मास आएगा, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है यानी कि 3 एलिमेंट आए यहाँ पर तो लफ्ज़ आएगा फॉर्मूला मास. सही है, तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास के जरिए से. ओके, इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मालूम होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम्स के हवाले से. जब आप यूट्यूब पर मेरी ये वीडियो सर्च करना चाहेंगे तो आप लिख दें यूट्यूब के सर्च पर, आप लिख सकते हैं कि क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल्स लिख दें, या क्लास 9 केमिस्ट्री नंबर ऑफ मोल्स लिख दें, या क्लास 9 केमिस्ट्री फ्लोरेंस कोचिंग सेंटर प्लेलिस्ट लिख देंगे तो जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो सब की सब आ जाएंगी. या FCC करके आप चैप्टर नंबर 1 लिख दें न्यूमेरिकल, FCC चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल, या क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1 नंबर 1 न्यूमेरिकल, या क्लास 9 केमिस्ट्री नंबर ऑफ मोल्स न्यूमेरिकल, इस तरह आप लिख देंगे तो ये मेरी वीडियोस आप सर्च कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू सी द गुड टाइप ऑफ वीडियोस लाइक दिस, सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. थैंक यू वेरी मच.